एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फर्राटा पंखे से मासूम बच्चे की करंट लगने से हुई मौत। चित्रकला सामान्य ज्ञान भाषण प्रतियोगिता का किया गया पुरस्कृत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। बांदा के बबीरू में फर्राटे पंखे से 10 माह के मासूम बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों के द्वारा अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू कस्बे के करुईया पूर्वा का है, जहां के रहने वाले जसवंत वर्मा के पुत्र धर्मेंद्र उम्र 10 माह खेलते खेलते घर में लगे फर्राटे पंखे के पास पहुंच गया और फर्राटे पंखे को पकड़कर खड़ा हो गया, जिससे करंट की चपेट में वह आ गया, जिससे गंभीर रूप से वह झुलस गया। जैसे ही परिजनों ने देखा तो तुरंत बच्चे को लेकर बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौत की खबर सुनकर पूरे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने बताया कि घर पर फर्राटा पंखा चल रहा था और यह खेलते खेलते फर्राटे पंखे के पास पहुंच गया था। जब घर के लोगों ने देखा तो वह पंखे पर चिपका हुआ था। तुरंत पंखे से उसे छुड़ाकर अस्पताल में लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक बच्चा आया था करंट से, जिसकी मौत हुई है, क्या है प्रॉब्लम? हाँ, एक बच्चा आया था, धर्मेंद्र नाम का, लगभग 10 माह का था, पुत्र जसवंत कुमार, यही खास कमासी के खास बबीरू के हैं, लाया गया था, जो कि मृत अवस्था में था। इसकी भी कंडीशन थी कि उसको करंट लग गया था, तो उसको जो है मृत घोषित कर दिया गया। दूसरी खबर, बांदा जनपद के बबेरू में लवरुद्ध ललित कला फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित चित्रकला सामान्य ज्ञान एवं भाषण प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर अव्वल प्रतिभागियों को शील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा सभी को पुरस्कार वितरण किया गया है। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू कस्बे का है, जहां पर महाश्री इंटर कॉलेज में ललित कला मंच के द्वारा पिछले 26 सितंबर को चित्रकला सामान्य ज्ञान व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसका परिणाम निर्णयकों के द्वारा घोषित किया गया, जिसमें आज पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि बांदा जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल एवं विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष विजय पाल सिंह रहे, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्रतीक कुमार एवं जूनियर वर्ग में मलका देवी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वही भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दिव्यांशी नामदेव व द्वितीय स्थान हिमांशी नामदेव ने प्राप्त किया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सोनू यादव एवं द्वितीय स्थान अनुराग अग्रहरि ने प्राप्त किया, जिसमें सभी स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को शील्ड व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी प्रतिभागियों को सातवन्ना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रताप सिंह, सचान देवानंद त्रिवेदी, अनिल त्रिवेदी, अशोक उपाध्याय, ललित कला मंच के अध्यक्ष कामता पाल, संयोजन नरेंद्र अवस्थी, मीडिया प्रभारी जय किशन जैकी, वही संचालक का कार्यभार ललित कला मंच के निदेशक लवरुद्ध प्रताप के द्वारा किया गया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिव्यांशी है। जी, यहाँ पर किस प्रकार का कंपटीशन हुआ था और यहाँ पर अभी पुरस्कार वितरण किया गया है? जैसे कि हर साल ललित कला मंच का आयोजन किया जाता है, इस साल भी ललित कला मंच आयोजन हुआ और जहाँ पर विभिन्न प्रकार के छात्रों ने और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में अपना सहयोग दिया, जिसमें कि जीके है, सामान्य ज्ञान है और हमारा नृत्य अगले वर्ष से आयोजित किया जाएगा, जिसमें मैंने भाषण में अपना सहभागिता दी और प्रथम स्थान प्राप्त किया। कैसा महसूस हो रहा है आपका प्रथम स्थान आया? जी, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं लोगों को भी यही एक तरह से एडवाइस दूंगी कि वो भी आए और अपनी विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांशी नामदेव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी है और मैं ललित कला मंच फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि हर साल यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, ये एक मंच है जो बच्चों को अपना विचार और जो भी उनके अंदर टैलेंट है उनको निखारने में मदद करता है, तो मैंने इस साल भी उसमें पार्टिसिपेट किया है और मुझे भाषण में सेकेंड प्राइज़ मिला है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे
पार्टिसिपेट करती रहूँगी और ऐसे ही प्राइज लाती रहूँगी। अपने फ्रेंडों के लिए क्या सा कहना चाहेंगे आप? मेरी फ्रेंड्स जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में है, मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर एक ऐसी कला है जो आप दिखाना चाहते हैं, तो ललित कला मंच फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा मंच है जो बच्चों की और स्टूडेंट्स की प्रतिभाओं को निखारने का काम देता है। तो आपके अंदर अगर जो भी टैलेंट है उसको निखारिए और लोगों को दिखाइए और अपने स्कूल का, जिले का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करिए। कौन कौन सी प्रतियोगिता यहाँ पर हुई थी? यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं को शामिल किया जाता है, जैसे कि चित्रकला प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है और इस बार जीके कॉम्पिटिशन हुआ था। नृत्य की भी प्रतियोगिताएँ होती हैं लेकिन इस बार वो स्थगित कर दी गई हैं। और बाकी जो प्रतियोगिताएँ हुई हैं उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी पोजिशन ग्रहण की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी नामदेव है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।